हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ली और आप देख रहे हैं एलम माइंडेटिक चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से आप अगर आपने वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया हुआ है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आ गया है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड वैलिड है या फिर सही है या नहीं है, या फिर आपने वोटर आईडी कार्ड बनने के लिए दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं आपका वोटर आईडी कार्ड बन के रेडी हो गया या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, तो जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए बताते हैं आपने कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने करना क्या है, आपको अपने ब्राउज़र में जाना है। जैसे कि यहाँ पे मैं गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ, गूगल क्रोम में आपने ब्राउज़र में जाना है। ब्राउज़र में जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे टाइप करना है www.nvsp.in। आपने सिंपली आपको ये डालना है, उसके डालने के बाद आपने सर्च कर देना, आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सर्च योर नेम इन इलेक्ट्रॉल नंबर रोल, तो आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इलेक्ट्रा सर्च की वेबसाइट्स पे डायरेक्ट आ जाएंगे। आपको यहाँ पे जितनी भी डिटेल दिख रही हैं, आपने ये सारी डिटेल आपने बिल्कुल वैसे ही भरना है जैसा आपने दिया था आपको फॉर्म भरते समय वोटर आईडी के लिए, या फिर आपके पास जो बन के आ गया है उसमें जैसे सारा चीज़ फिलअप है आप उसी तरीके से इसमें भी फिलअप करेंगे। तो जैसे चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो जैसे आपने यहाँ पे अपना नाम डालना है, जैसे कि ये देखिए मैं यहाँ पे नाम एक डाल देता हूँ, ठीक है। नाम डालने के बाद आपने यहाँ पे फादर नेम डालना है। फादर नेम डालने के बाद अगर आप अपना एग्जैक्ट एज जानते हैं तो आप एग्जैक्ट एज डालिए, या फिर आपको डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट मालूम है तो वो डालिए। जैसे कि मुझे पता है मेरा एग्जैक्ट एज क्या है, तो मैं यहाँ से अपना एग्जैक्ट एज सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने करना है क्या है, सिंपली आपने मेल या फीमेल जेंडर आपने सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस भी स्टेट से आते हैं आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिएगा। तो चलिए इसके बाद आपने करना है कि आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपने वो करना है। उसके करने के बाद आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मीन्स आपका विधानसभा कौन सा है, तो आपने विधानसभा सेलेक्ट करना है। विधानसभा सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली आपको यहाँ लास्ट में आपको दिख रहा होगा कैप्चा कोड, आपको यहाँ पे ये सिंपली आपको ये कोड आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है। यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद आपको आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा का पूरा डिटेल आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वोटर आईडी का नेम क्या है, एज क्या है, फादर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे सारी की सारी पूरी की पूरी डिटेल। और भी डिटेल देखना चाहते हो आप, जैसे व्यू डिटेल्स पे आप करते हैं तो आप व्यू डिटेल्स पे करके आप पूरा डिटेल देख सकते हो। जैसे कि ये देख सकती है आपका भाग संख्या कौन सा है, मतदाता क्रमांक, हाउस नंबर, पूरी ए टू जेड आपकी पूरी डिटेल इस पे अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप अपने वोटर आईडी को चेक कर सकते हैं आपका वोटर आईडी कार्ड सही है या नहीं, या फिर आपने वोटर आईडी कार्ड को बनने के लिए दिया हुआ वो रेडी हो गया है या नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, अपने दोस्त अली को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।